गुड मॉर्निंग गाइस। तो हर्षिल का डे 3 बहुत अच्छी मॉर्निंग है। आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत सुंदर पहाड़ हैं। मैं आपको अभी बैक कैमरा से दिखाऊंगी। अभी हम लोग चाय पीने आए हैं बाहर। इट्स अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग, अमेजिंग, रिलैक्सिंग। सो दिस वॉज अ मच नीडेड ब्रेक फ्रॉम ऑफिसेस, फ्रॉम एवरीथिंग, लाइक द पर्सनल लाइफ यू कैन से हैज समटाइम, दिस इज द मोर पर्सनल, कि आप बिल्कुल चाहते हो अकेले हो जाओ। अब देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है। मैं आपको पीछे पहाड़ी दिखाऊंगी बैक कैमरा से। मेरे पीछे मतलब ये आप ये देखोगे गंगोत्री के पहाड़ हैं ये। मतलब गंगोत्री यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर है। तो आज हम कवर करेंगे गरदांग गली और गंगोत्री का। देखते हैं, अगर धाम कपाट बंद है, मोस्टली लोग कह रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा गांव है जहाँ पे वो मंदिर है, वहाँ पे आप जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो। गांव का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हम ब्लॉग में आपको ज़रूर बताएंगे अगर आगे गए तो। पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे हैं और ये वैली वैली तो देखने लायक है। आप देख सकते हो बहुत सुंदर वैली है। सुबह खिलखिलाती धूप आने वाली है, यहाँ पे धूप निकलने वाली। पहाड़ों में धूप तकरीबन 7 बजे तक आ जाती है, तो और जाती भी बहुत जल्दी ढल जाता है। सनसेट बहुत जल्दी होता है 4 बजे के आसपास, और यहाँ पे 6:30 के आसपास ही सनराइज़ हो चुका है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत रिलैक्सिंग है ये सुबह। मोर देन पर्सनल यू कैन से योर टाइम, योर पीस टाइम, अमेजिंग। सो गाइज, मिलते हैं आगे आपको। और गरदांग वैली आज हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे खूबसूरत नज़ारे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग। और हम लोग हर्षिल वैली से निकल चुके गरदांग गली की तरफ। तकरीबन जैसा कि हमने थोड़ा सा रिसर्च किया था रात को, नाइट में जब हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हुए, कि यहाँ से हर्षिल वैली से 10 से 20 किलोमीटर के आसपास मोस्टली यूट्यूबर्स जिनके हमने वीडियोस देखे वो ऐसा बताया कि 20 किलोमीटर, बट मैं खुद कवर नहीं कर पाई कि कितना है किलोमीटर्स। मैंने चेक नहीं किया, मुझे 20 किलोमीटर ये लगा नहीं। हम लोग प्रवेश द्वार में खड़े हैं हर्षिल वैली से गरदांग गली के, और हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। यहाँ पे इतनी सर्दी है ना गाइस, आप मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे बिल्कुल ड्राइव नहीं किया गया हमसे, ऐसे हाथ जम गए ना मत पूछो। यहाँ पे ग्लव्स भी काम नहीं कर रहा है, और यहाँ पे सिर्फ मुझे लगता है कि हम तीनों के अलावा कोई नहीं है। यहाँ पे कैंट एरिया है, कुछ आर्मी के लोग दिख रहे हैं और कोई नहीं है। तो आप अपने रिस्क पे आइए, इफ़ यू कैन यू नो ड्राइव, कम एट योर रिस्क के आप लोग खुद आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल एक तो ऑफ सीज़न में हम लोग निकल आए, दैट्स ओके, बट अगर आप डेयरिंग हैं, इफ़ यू कैन टेक द रिस्क, यू कैन ड्राइव एंड झेल सकते हो इतनी सर्दी, देन यू कैन कम डाउन हियर एंड एन्जॉय द वैलीज एंड दिस गरदांग गली। गरदांग गली हम लोग अभी निकलेंगे, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सीरियसली बहुत कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा खाने को मिले कि बॉडी को थोड़ी तो गर्माहट मिले, इतना यहाँ पे सर्दी है। ड्राइव नहीं कर पाएंगे अदरवाइज़ हम लोग रिटर्न लेंगे। तो एक ढाबा यहाँ पे दिखा है गरदांग गली के बाहर ही है, हम लोग यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलेंगे। तो 10 किलोमीटर भी नहीं था, बिल्कुल बहुत कम है। लोग कितना मतलब उसमें बेकार डालते हैं यार, कैसे मैं सोचती हूँ, इतना गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं लोग। 10 किलोमीटर भी नहीं है हर्षिल वैली से, 10 किलोमीटर है। ओह गॉड, हाथ जम गया यार। तो गाइस, इस सर्दी में हमें इस ढाबे में आग सेकने को मिल रही है, इससे आग का बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं है। आज हाथ जम गए यार, मुझे लग ही नहीं रहा है मेरे ही हाथ है, फट गए पूरे, स्किन पूरी फट चुकी है। तू दिखा भाई, तेरे तो बहुत ही प्यारे सॉफ्ट हाथ थे, क्या हो गया? चलो इस ढाबे में कोई तो दिखा यार, मुझे तो लगा था इस गंगोत्री में सिर्फ तू हम तीनों हैं। सच में ऐसा लग रहा था हम ही तीनों हैं जो गाइस, हम आपको ना डेयर करते हैं कि आप गंगोत्री आके दिखाओ, सिर्फ दो तीन लोग हम यहाँ पे हैं और कोई नहीं है। आर्मी के कैंट एरिया के लोग हैं और बस हम तीन लड़के हैं। हाँ, और वो भी स्कूटर से।
तो हम आप हमें लिंक शेयर कर दीजिएगा अगर अगर आपने यहाँ पे कभी ट्रेवल किया है तो हम लोग देखना जाएंगे और डेयर करते हैं आपको कि कोई ऐसे आके दिखाए। डेयर क्या, मैं तो सैल्यूट करती हूँ। तो गाइस, जिस चीज़ का हमें बहुत बेहद बेसब्री से इंतज़ार था, आ गई है गिरतांग गली और हम लोग निकल पड़े हैं ट्रैक के लिए। चलो चलो, अभी फोकस फोटोग्राफी में मत करो, साइड साइड देख के चलो। तो गाइस, गिरतांग वैली हम फाइनली ट्रैक पे आ चुके हैं और बहुत खूबसूरत ये ट्रैक है। दिस इज़ अमेजिंग, आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ ट्रैक्स, के इतनी सुंदर वैली अराउंड इट, मतलब नेचर के अराउंड ऐसी वैली और इतना खूबसूरत ट्रैक। आई डोंट नो गाइस, लोग व्लॉग्स में रियलिटी क्यों नहीं दिखाते हैं। ये ट्रैक है, बहुत लंबा ट्रैक है और हाइट पे, तो चलने में बड़ी दिक्कत आ गई भाई, बट कुछ नहीं, पहुंच जाएंगे जैसे तैसे। ओह माय गॉड, आगे और हाइट है, मतलब जितना चलते जा रहे चढ़ाई बढ़ती जाती है। तो गाइस, ये ट्रैक उतना इजी नहीं है जितना आपको व्लॉग्स में या वीडियोस में या इसके कवर में दिखता होगा, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक ट्रैक है, क्योंकि हम गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, इट इज़ जस्ट फॉर योर सेफर साइड। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको ट्रैक सोच समझ के करना होगा, मतलब के कदम फूक फूक के रखने होंगे, कहते हैं ना सेफर साइड, वो कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहुत पतले पतले ट्रैक है बीच बीच में, ये तो फिर भी ब्रॉड है, आपको अब दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे हम नहीं बनाते हैं, हम तो वीडियोस थोड़ा सेफर जगह पे ही कवर करते हैं। देखो तो गाइज, 1 किलोमीटर के आसपास हम ट्रैक कर चुके हैं, थोड़ा सा नॉर्मल आया था, अब फिर से बहुत गहरा स्लोप और ये देख सकते हो आप, फिर से चढ़ाई आ गई है। सच में ये 2 किलोमीटर इतने हावी हो गए हम लोगों के ऊपर, मत पूछो, बट ट्रैक बहुत सुंदर है, इट जस्ट दैट कि हमको चढ़ना पड़ रहा है, तो हम सबकी तूती बोल गई है गॉड। बट हम पॉज लेके चल रहे हैं, पानी पी रहे हैं बीच बीच में। ट्रैक थोड़ा, मतलब इतना डरने वाली भी बात नहीं है, बट सेफ्टी के लिए तो गाइज ये बॉटल से अब सब कुछ बोझ नहीं उठाया जा रहा है, यहीं रख दो 1000 पे, 1 किलोमीटर रह गया, बॉटल को यहीं रख दो, आगे बढ़ जाते हुए ले जाएंगे, मेरा बस की बात नहीं है। चलो चलो, पकड़ लेती हूं, नहीं नहीं ये है ना, ये पानी हमारे पास बैकअप के लिए, ये वाला है, चलो आगे बढ़ो। तो फाइनली गाइज, हम गिरतांग गली आ चुके हैं, आपको आगे का सीन दिखाएंगे, बट थोड़ा सा हम रिलैक्स कर लेते हैं। तो गाइज, गिरतांग गली के आप यहाँ पे देख सकते हो व्यूज़, और ऋषिकेश में एक गिरतांग गली है जिसकी रेप्लिका है, इसकी कॉपी है, बट आज हम असली गिरतांग वैली आ चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सुंदर नज़ारा है, नीचे वैली है गिरतांग वैली, अमेजिंग, इट इज़ अमेजिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। तो हम शायद पूरा नीचे ही जाएंगे अभी। तो गाइज, सुनने में तो यही आता है कि इस गिरतांग वैली का जो ये ब्रिज है, इसका ब्रिज ये तिब्बत में बॉर्डर में खुलता है, और ये बहुत लंबा ब्रिज है जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट दिस इज़ समथिंग इन्फॉर्मेटिव फ्रॉम अदर्स,
सो वी आर नॉट श्योर कि हम बहुत नीचे जाएंगे क्योंकि चढ़ाई करने में दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को भी बहुत, हम क्योंकि ऑलरेडी इतना ट्रैक कर चुके हैं. तो लेट्स सी, थोड़ा सा और जाएंगे और वापसी लेंगे. बट इट इज़ ब्यूटीफुल, इट इज़ ब्यूटीफुल, सी द व्यू. गाइस गरतांग गली आना तो आपको ये ऐसा सांस की प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ इशू हो रहा है. चलो यार पानी पी लो. जितना वीडियोस में दिखाया जाता है जितना चाम उतना है नहीं दोस्तों. ऊपर से ऐसे फ्रेंड्स को साथ में ना लाइएगा जिनका वेट बिल्कुल मैनेज नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ये अपना मेंटल हाई रहता है. ये अपना मेंटल हेल्थ सही करने आई थी, यहाँ पता चला तो फिजिकल हेल्थ भी खराब है. आप कुछ बताएं इनके बारे में, कुछ बोल पाएंगे इनके बारे में? तो क्या ही बोले, इनकी तो हालत बता रही है. कैमरा करें इनकी तरफ. गर्तांगली हितमत चेतावनी जारी है. चंद्रशीला चढ़ना था, देख ले ना आए ना आए ना आए ना आए. तो गाइस हम लोग तो गंगोत्री यात्रा के लिए निकल चुके हैं, देखी जाएगी क्योंकि यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर के चलते हम लोग वापसी नहीं ले सकते, तो धाम के दर्शन जरूर. फाइनली गाइज गंगोत्री धाम आ चुके हैं. अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे पार्किंग कहाँ पे है. जय माँ गंगे, हर हर गंगे. गाइज यहाँ तो बर्फ गिर भी है, स्नोफॉल हुआ है बहुत. बौद्ध में बसा ये तीर्थ स्थल जहाँ गंगा माँ ने धरती को कृतार्थ किया था, पुराणों के आधार पर स्वर्ग की बेटी गंगा देवी ने नदी रूप लेकर राजा भगीरथ के पूर्वजों को पाप मुक्त किया था. पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने गंगा देवी का वेग कम करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में लिया था. भागीरथी के दाएं तट पर गंगा देवी में को समर्पित गंगोत्री मंदिर 18वीं शताब्दी में निर्मित है. यह तीर्थ स्थल समुद्र तल से 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. कोई बात नहीं, ऑफ सीजन है ना, ऑफ सीजन है गलियां, यही तो वैष्णो देवी टाइप लग रहा है मुझे तो, फील वैसा ही आ रहा है. वाओ तो गाइस हमने तो कैन ले लिया क्योंकि हम गंगोत्री धाम आए हैं और यहां से जल ना ले जाएं तो बिल्कुल भी यात्रा सफल नहीं होने की. हम लोगों ने यहाँ से गंगा जल ले जाना है. चलो अरे वाह यहाँ चलो चलो यार मज़ा आ गया आज तो सीरियसली. थैंक यू. मैंने सोचा नहीं था हम गंगोत्री धाम आ जाएंगे. यार स्कूटी से बहुत बस अब तो लगानी पड़ेगी, साइड ऐसे लगा लो. हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय हो गंगोत्री धाम की. अंदर ना हो ना. अब यहाँ पे पार्क कर लो, चलते हैं. हेलमेट यहीं लगा दे, टिकट आज तो धन्य हो गए भाई. तो गाइस धाम तो आ गए हैं लकीली, लेकिन कपाट बंद है तो हम बाहर से दर्शन करेंगे और आपको दर्शन करा देंगे. ऐसे दर्शन कराएंगे जैसे हम करेंगे बाहर से. हर हर गंगे, गंगोत्री धाम, शिवालय. वैसे तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है और यहाँ पे जो ये कपाट अभी बंद है इसीलिए हम लोग आपको बाहर से ऐसे दर्शन कराएंगे. किसी कहीं भी फोटो लेना अलाउड नहीं है. हर हर गंगे, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन आपको पहले ही बता दिया तो आप उस ज़रूर सुने. ये एक धाम है उत्तराखंड के चार धामों में से एक, गंगोत्री धाम. दूसरा है यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ. तो ये एक धाम है
मुझे थोड़ा सा यहाँ का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम धाम यात्रा करेंगे इस एज में, तो ठीक है, इट्स ऑलवेज गुड, लेट्स गो। गाइस देखो, होता है धाम यात्रा में बुलावा है ना, तो आप जाके रहोगे कैसे भी करके, तो हम आए हैं और बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कपाट नहीं खुले हैं, बट एक चीज़ इसका रिग्रेट है, बट आए हैं, धाम में बुलावा आया है, हम इसकी धरती पे हमने कदम रखे हैं, इस बात की बेहद खुशी है मुझे, और भीड़ बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हम आगे तक अपना स्कूटर तक पूरा एंड तक आए हैं। बहुत सुंदर है गंगोत्री, अभी तो पानी बिल्कुल, हाँ, क्योंकि पानी क्यों लेवल कम है वैलीज़ में, यहाँ पे धारा क्यों इतनी कम है, क्योंकि अभी पानी जम चुका है ऊपर, और ये कल से सब यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, जितना कुछ थोड़ा बहुत दिख भी रहा है इतने देख सकते हो, कहीं के भी जैसे हम गए गरतांग वैली, वो क्लोज़ हो जाएगी, ये सब यहाँ पे अब अप्रैल में खुलेगा सीज़न में, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वॉक कर लेते हैं, उसके बाद हम वापसी लेंगे। और डे थ्री बहुत बहुत अच्छा था, अब तक के सफ़र में सबसे अच्छा, क्योंकि मेरा मानना है हम ट्रैवल मॉन्क्स हैं, हमारी थीम जो हमारे चैनल की है वो हिंदू धर्म को लेके, जिस चीज़ को हम मानते हैं, तो हम घूमते हैं, तो इस तरह की जगहों पर, इस तरह के स्थलों पे हम जाते हैं, तो वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और ये सोचा नहीं था कि गंगोत्री धाम भी हम आएंगे, तो ये सब आपके लिए आप देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, यहीं तक का था अब तक का सफ़र, लौटते वक्त मस्ती करते हुए हम लोग जाएंगे, तो टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें। इसी स्थान में राजा भागीरथ ने 5,500 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर अत्यंत कठिन तप किया, पितरों के लिए पिंडदान तर्पण आदि क्रिया करने में उस स्थान से काल का नियम नहीं है, दिन या रात्रि हो मनुष्य श्राद्ध आदि क्रियाओं को कर सकता है, इस स्थान में नाम और गोत्र को उच्चारण करके जो श्राद्ध आदि करे उससे उसके अत्यंत पापी पितरों भी स्वर्ग को जाते हैं, जो कुछ स्वर्ण चांदी गौ अन्न तथा भूमि आदि ब्राह्मणों को दान करते हैं इस स्थान से वह दान शीघ्र फल देने वाला होता है। तो आज तो हमारा खुद का ही सौभाग्य कह लो, हम लोग आज धन्य हो गए, हम एक धाम यात्रा हो चुकी है और उत्तराखंड के चार धामों में से ये एक धाम है, आपको बता दूँ गंगोत्री।